देश में चौथा चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है। वहीं लॉकडाउन के बावजूद भी दो प्यार करने वाले ने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए गया के शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में शादी रचाई। दोनों के परिवार शादी में हुए मौजूद। पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 संक्रमण के प्रवेश करने से पूरा देश में खलबली मच गया है, जिस पर काबू पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू करना पड़ा और इसे रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री के एक फरमान से पूरा देश जहां का तहां रुक गया, जिससे कई कार्य ज्यों के त्यों स्थिर हो गए हैं। फैक्ट्रियां बंद है, स्कूल कॉलेज बड़े बड़े संस्थान उद्योग सब स्थिर हो गया। एकदम से आदमी घर में होम क्वारंटाइन हो गया। लेकिन इसी बीच प्रेम करने वाले दो दिल एक होने से भला कैसे रुकते। सरकार के आदेश एवं सोशल डिस्टेंस को मानते हुए दोनों प्रेमी आज एक बंधन में जुड़ गए। आपको बता दें कि गया जिला के मंगला गौरी मंदिर में आज एक युगल जोड़ी की शादी संपन्न हुई, जिसमें सबसे अहम बात यह कि दोनों कोचिंग में क्लास करते थे और दोनों के बीच 6 साल पूर्व से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। अभिभावकों की मर्जी से यह शादी संपन्न हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दोनों तरफ से 10 लोग से अधिक नहीं आए थे, अर्थात परिवारों की संख्या भी कम रही और दोनों प्रेमी एक दूसरे के बंधन में सदा के लिए बंध गए। शादी करने वाले जोड़ी में गया जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के झीलगंज मोहल्ले के रहने वाली दीपा कुमारी है। वहीं लड़का रितेश कुमार कोतवाली थाना क्षेत्र के सीढ़िया घाट का रहने वाला है। शादी में दोनों परिवार भी खुश है। क्या दोनों साथ में पढ़ाए थे? नहीं। बोलिए बोलिए। मुलाकात सीनियर जी